कांग्रेस को गठबंधन करने में असुविधा होती है और बीजेपी को गठबंधन करने में सुविधा होती है। अपने निजी स्वार्थ कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया, कमजोर करने का काम किया, और अपने निजी स्वार्थ में, अपने पिता पुत्रों के स्वार्थ में कांग्रेस को कमजोर किया। पार्टी संगठन हमारी माँ है, माँ को कमजोर करना किसी पुत्र का काम नहीं बनता है। अगर पुत्र वह काम करता है तो निश्चित रूप से पुत्र जो है दगाबाज है, धोखाबाज है। और मुजफ्फरपुर से वर्तमान एमपी जो बीजेपी के थे यानी अजय निषाद, अभी कांग्रेस का पट्टा पहन लिया, कांग्रेस का सदस्यता भी ले लिए और चर्चा चल रहा है कि उस चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए शुभ है अशुभ है? लोकल फॉर वोकल का स्लोगन वहाँ चलेगा, किसी बाहरी को लोग वहाँ स्वीकार नहीं करेगा। अगर यह काम कांग्रेस पार्टी करती है, बाहरी को लड़ाती है, तो निश्चित रूप से भाजपा को मजबूत करने का यह एक कार्य होगा। 9 सीट आया है, 9 पर कांग्रेसी को लड़ाया जाए, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लड़ा। एक बार रघुनाथपुर से गठबंधन में सीट जाने के बाद माझी में आकर रविंदर मिश्रा पूर्व मंत्री का उन्होंने टिकट काट के गला काट दिया, और 2020 में महाराजगंज विधानसभा में आकर हमारा उन्होंने गला काट दिया। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं जिसका बिगुल जो बज चुका है, मार्च 8 से 9 दिन के बाद पहले चरण के चुनाव होने जा रही है, और चुनाव में तमाम दल, चाहे इंडिया अलायंस हो फिर एनडीए हो, हर कोई लगा हुआ है अपनी दावेदारी के लिए, अपनी जीत के लिए। आज हमारे साथ कुछ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं जो AICC में आए हुए हैं, शायद दावेदारी ये लोग भी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है और करीब 9 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़े, जिसमें 3 का घोषणा हो चुका है, बाकी 6 का होना है। आइए सीधे तौर पे इन लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मुख्य मुद्दा क्या है, क्योंकि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस प्रकार से उथल पुथल मची हुई है, जिस प्रकार से वहाँ पे विरोध, जिस प्रकार समर्थन, हर चीज देखा जा रहा है, इस पे बात करते हैं। क्या चल रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, 3 पे घोषणा कर दी है, बाकी 6 पे कब होने जा रहा है? ये तो बड़े नेता बताएंगे कब होने जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता के नाते हम ये बात जरूर कहेंगे कि 90 से कांग्रेस वहाँ सत्ता में नहीं है। इतने दिनों के बाद भी जो वर्कर हमारे यहाँ हैं कांग्रेस के, जो किसी दूसरे दल में ताक झांक नहीं किए हैं, वो हमारे बोन हैं। उस बोन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को, वर्करों को कैल्शियम देने की जरूरत है, और वह कैल्शियम होता है चुनाव। लेकिन दुर्भाग्य से हम गठबंधन में गए हैं और इन पीरियडों में कई एक बार गठबंधन भी टूटा है, लेकिन टूटने के बाद भी कांग्रेस एकला चलो का नीति नहीं अपनाई है, जिसका कारण है कि बिहार में कांग्रेस कमजोर होते गई है। अलायंस की पॉलिटिक्स है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी चाहते हैं कि पूरे देश में अलायंस की पॉलिटिक्स बरकरार रहे, ताकि कांग्रेस को अलायंस में काफी कठिनाइयां होती हैं, उसके झेलना पड़ता है, इसलिए वो मजबूती से अपने पक्ष को नहीं रख पाती है और मजबूत नहीं हो पाती है। और मोदी जी के साथ सुगमता से हो जाती है, क्योंकि जिन जिन पार्टियों से गठबंधन करने की स्थिति बनती है, वो पार्टी कभी न कभी कांग्रेस के विरोध में ही उपजे हुए हैं, और उनका डीएनए निश्चित रूप से कांग्रेस विरोधी डीएनए है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन करने में असुविधा होती है और बीजेपी को गठबंधन करने में सुविधा होती है। इसीलिए इतना मजबूत होने के बाद मोदी जी पूरे देश में वैसे छोटे छोटे दल से भी जाके गठबंधन कर रहे हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन गठबंधन की राजनीति को देश पर थोपना चाहते हैं। आप दुर्भाग्य की बात करें कि दुर्भाग्य से हम गठबंधन में है, आपके नेता के यहाँ काफी दिनों तक बैठक चली, फिर बाद में डिस्कशन हुआ कि पहले तो चला कि नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, फिर 9 सीट पे आए, तो ये दुर्भाग्य कैसे हुआ? बता रहे हैं दुर्भाग्य कैसे हुआ। हमने पहला चुनाव 2000 में लड़ा था, जिस समय कांग्रेस झारखंड के साथ बिहार भी था, उस समय सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हम लोगों ने कहा कि कांग्रेस अकेला चले, अकेले चुनाव लड़ी है, सरकार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय परिस्थितिवश लोगों ने कहा कि साहब 10 साल से सरकार में नहीं है कांग्रेस, सरकार में आने के बाद कार्यकर्ता मजबूत होंगे, पब्लिक का काम हम करेंगे, लेकिन यह हुआ नहीं। 2000 से लेकर 2005 तक कांग्रेस गठबंधन में सरकार में रही, लेकिन एक साधारण विसूत्री कमेटी होता है वो भी नहीं बन पाई, इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल घटा। इसके बाद भी जो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है, और कांग्रेस को उन्हें रिवार्ड देना चाहिए। इसके बाद भी कांग्रेस गठबंधन में गई, लेकिन गठबंधन का उपयोग बड़े नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ, कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं किया, कमजोर करने का काम किया, और अपने निजी स्वार्थ में, अपने पिता पुत्रों के स्वार्थ में कांग्रेस को कमजोर किया, और गठबंधन का लाभ जो मिलना चाहिए पार्टी को नहीं मिला। आज भी वही हालात बनी हुई है।
तो आज क्या आपके कहने के अनुसार क्या प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आप कहना चाहते हैं? मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो भी नेता इस ढंग का काम करते हैं, पार्टी संगठन हमारी माँ है, माँ को कमजोर करना किसी पुत्र का काम नहीं बनता है। अगर पुत्र वह काम करता है तो निश्चित रूप से पुत्र जो है दगाबाज है, धोखाबाज है, और उससे माता को कमजोर कर रहा है, माता की आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है। आने वाले समय में जिस प्रकार से एक हॉट सीट बना हुआ है, खासतौर से बिहार में बात करें तो महाराजगंज की, महाराजगंज में बाहरी उम्मीदवार को लाने की बात की जा रही है। कांग्रेस को 2009 में भी यही परिस्थिति बनी थी और कांग्रेस को अंत में 40 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा था। उस समय अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे, जो आज बीजेपी में चले गए। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि बाहरी उम्मीदवार को नहीं लाया जाए, लेकिन फिर कह रहे हैं दुर्भाग्यवश 23 बाहरी उम्मीदवार को लड़ाया गया, जिसमें से 23 में से एक भी आज हमारे पार्टी में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, आलाकमान को 2009 के परिस्थिति, कार्यशैली और परिणाम से सबक लेने की जरूरत है। और कार्यकर्ताओं की तरफ से मेरा यह मांग है कि 9 सीट आया है, 9 सीट पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएं, जिस पर यह छाप हो कि मूल कांग्रेसी है और पब्लिक का भी उस पर सहानुभूति हो कि यह कांग्रेस छोड़ के कभी दूसरे दल में नहीं गया। ये आप कह रहे हैं, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से वर्तमान एमपी जो बीजेपी के थे, यानी अजय निषाद, अभी कांग्रेस का पट्टा पहन लिया, कांग्रेस का सदस्यता भी ले लिए और चर्चा चल रहा है कि उस चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ये मैसेज कार्यकर्ताओं के लिए शुभ है या अशुभ है? नहीं, इस पर मोहन प्रकाश जी ने खुद कहा था कुछ वर्करों से, हमसे बात नहीं है इस पर, कि साहब टिकट के शर्त पर उनको ज्वाइन नहीं कराया गया था। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तो चुनाव के समय क्या वहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं? एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने उनके ज्वाइनिंग को देखा था, ज्वाइनिंग के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि चूंकि मेरे साथ भाजपा ने धोखा दिया, मेरा टिकट काट दिया, इसलिए मुझे कांग्रेस के आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हुए आना पड़ा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें पार्टी में काम करने का मौका देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। और ऐसे किसी भी उम्मीदवार के लिए हम विरोध में हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में हैं कि बाहरी उम्मीदवार को लाकर किसी भी लोकसभा से चुनाव नहीं लड़वाया जाए। अब रही महाराजगंज की बात, तो महाराजगंज निश्चित रूप से एक हॉट सीट बना हुआ है और मैं ये कहूंगा कि किसी बाहरी को वहां नहीं लड़ाया जाए, जो कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है, जो वहां काम किया है, उसे लड़ाया जाए। अभी छठा चरण में वहां चुनाव है, अगर अल्लाह कमान को संतुष्ट होना है तो एक सप्ताह हम वहां सर्वे करा के देख ले कि लोकल लोग वहां के क्या चाहते हैं। लोकल फॉर वोकल का स्लोगन वहां चलेगा, किसी बाहरी को लोग वहां स्वीकार नहीं करेगा। अगर यह काम कांग्रेस पार्टी करती है, बाहरी को लड़ाती है, तो निश्चित रूप से भाजपा को मजबूत करने का यह एक कार्य होगा। अगर स्थानीय स्तर पे अगर बाहरी उम्मीदवार महाराजगंज में आता है, तो क्या स्थानीय स्तर पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो विरोध करेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है उसके हिसाब से वो वोकल होकर विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव में नहीं रहेगा। और क्या मैसेज देना चाहिए अंत में हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस के बड़े नेता अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर पार्टी को माता समझकर माता को मजबूत करने का काम करें। और इसका एक ही विकल्प है कि 9 सीट आया है, 9 पर कांग्रेसी को लड़ाया जाए, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लड़ाया। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? हम भी महाराजगंज से दावेदार हैं और हमेशा दावेदार रहे हैं। मेरा 2020 में असेंबली सीट काट लिया गया बड़े नेताओं के एडजस्टमेंट के नाम पर। उस बड़े नेता के बारे में ही मुझे कहना है कि अगर आप सो तो अभी आप उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी आपके जिस विधायक की बात करो, अभी तो बाहरी हैं। किस विधायक की बात हो रही है? हमें तो नहीं सुना, किस विधायक की बात हो रही है? जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे टिकट लाया गया, बाहरी को लाया गया, अभी वर्तमान में महाराजगंज से जो विधायक, अभी माझी से विधायक थे वहाँ, तो बाहरी है ना? है, हमारे सहारनपुर मंडल के ही है ना भाई, सीवान जिला के ही है ना, छपरा जिला के ही है ना, और कांग्रेसी नहीं, वो भी पार्टी छोड़े हुए हैं। 96 में वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे या 99 में? नहीं, लोकल का मतलब हुआ कि महाराजगंज विधानसभा का जो व्यक्ति है उसकी बात करेंगे ना? नहीं जी नहीं, लोकल का मतलब कि सहारनपुर मंडल का। अच्छा, तो फिर बिहार का भी कोई आकर लड़ लेगा? नहीं, क्यों लड़ लेगा? क्योंकि सहारनपुर मंडल, इसलिए मैंने कहा कि 4 विधानसभा छपरा जिला से है और 2 विधानसभा सिवान जिला से है और गोपालगंज का बहुत सारा जिला सराउंडिंग में है, इसलिए सारणपुर मंडल का मैंने बात कहा। और मूल रूप से पहले सारण जिला ही था, 1973 में छपरा सिवान गोपालगंज बना। जिसके मन में सारण है, वह आज भी सारण के तीनों जिला को सारण ही मानता है। और मैं सारणपुर मंडल के चारों लोकसभा को
अपना लोकसभा मानता हूं और चाहूंगा कि कांग्रेस वहां पहले मजबूत रही है, आज भी मजबूती की स्थिति में है। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला, हम दो बार कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, परिसीमन के पहले बसंतपुर विधानसभा से, इसके बाद दुर्भाग्य से मेरा टिकट हमेशा काटते जाता रहा है, कभी गठबंधन के नाम पर, कभी बड़े नेताओं के सामंजस्य करने के नाम पर। और उस बड़े नेताओं से मेरा यह संदेश होगा कि बार बार वर्करों का गला रटने का काम नहीं करें। एक बार रघुनाथपुर से गठबंधन में सीट जाने के बाद माझी में आकर रविंदर मिश्रा पूर्व मंत्री का उन्होंने टिकट काट के गला काट दिया, और 2020 में महाराजगंज विधानसभा में आकर हमारा उन्होंने गला काट दिया। जबकि बड़े नेता थे तो गठबंधन में उनको अपने सीट बचाने का काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं बड़े नेता के रूप में ये काम, तो बड़े नेता कहलाने लायक नहीं है।